हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएन न्यूज़। इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस के अंतर्गत प्रशासन कहीं पर से दुरुस्त नहीं नज़र आ रहा। आपको बता दूं, प्रशासन कहीं पर से दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। ये छोटी काशी गोला में जिस प्रकार से कोरोना पूरे प्रकार से पैर पसार रहा है, लोगों की जान जा रही, वहाँ पे प्रशासन जो है गोला कोतवाली से काफ़ी लूजिंग नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ का हाल। ये चौराया है और मैं इसमें चौराहे के समय खड़ा हूँ। कुछ लोग बिना मास्क आ रहे हैं और कुछ लोग लॉकडाउन का कोई भी प्रकार का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अरे कड़वे दादा कहाँ जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि यह प्रशासन ध्यान दे रहा है। प्रशासन कैसा चल रहा है? ठीक है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से भीड़ भाड़ क्या करने आए भाई। अरे हम अपने विवाद के चक्कर में आए, यहाँ कोई सुनवाती ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से भीड़ लगी है। लोग किसी प्रकार का कोई मास्क भी नहीं लगाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रशासन कहीं गोला कोतवाली में आपकी प्रशासन ने लॉकडाउन का कोई भी फर्ज नहीं निभाया क्या? प्रशासन ध्यान दे रहा है? कुछ नहीं ध्यान नहीं दे रहा। कुछ नहीं ध्यान दे रहा। देखिए सर, अपनी परेशानी में है, आप किसी और से जानकारी लीजिए। आप प्रशासन ध्यान दे रहा ना? भैया कतने देर हो, कुछ सुनवाई नहीं, सब जरा चल रहे हैं, कोई मास्क लगाए कोई नहीं लगाए। आप देख सकते हैं प्रशासन कहीं पर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग जिस हिसाब से भीड़ लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं। आइए अभी आइए। प्रशासन क्या ध्यान दे रहा है इसमें? दे रहा है, प्रशासन ध्यान दे रहा है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे अनुभव किया तो काफ़ी भीड़ भाड़ हमको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर देखें प्रशासन खड़ा। अब मैं चलता हूँ चौराहे के पॉइंट पे, मैं देखता हूँ कितनी यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 होमगार्ड पर पूरा लॉकडाउन देखा जा रहा है। आपको बता दूँ यहाँ पे पूरे 4 होमगार्ड हैं जो पिंक टॉयलेट के सामने खड़े रहते हैं, उन्हीं पे पूरा ध्यान है। यही पूरा लॉकडाउन इस समय संवारे हुए हैं और इन्हीं की जिम्मेदारी है लॉकडाउन उसको नंबर। देखिए ये खुद मास्क नहीं लगाए। अरे मास्क दे ले। क्या आप ही पूरा लॉकडाउन संवारे हुए हैं? अरे बात कर रहे थे भाई, बातें। लॉकडाउन आप संवार रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन का पूरा है जो हम कर रहे हैं सब। इन्हीं लोगों की पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि कोरोना वायरस की बचाव करो, यही कर रहे हैं इस चौराहे पे लॉकडाउन की। आप देख सकते हैं, क्या आप ही इसमें कर रहे हैं सब ड्यूटी? बाकी आपके आला अधिकारी कहाँ हैं? ड्यूटी सर आला अधिकारी भी करते हैं, हम लोग यही हैं, सब राउंड पे हैं। आला अधिकारी भी राउंड पे हैं। देखिए भैया जी, हाँ क्या आला अधिकारी आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं अभी थे यार, सभी तो अभी थे। आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से इस गोला गोकर ना छोटी काशी में जो बड़े आला अधिकारी हैं वो मुझे चौराहे पे नज़र नहीं आ रहे हैं। खाली इन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी गई है लॉकडाउन बचाने के लिए। आप देख सकते हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं चौराहे का। किस हिसाब से भीड़ भाड़ से लगा है, लोग बिना मास्क लगे हुए हैं, जैसे आप उन्हें देख लीजिए। हमको जब देख रहे हैं तो लोग मास्क लगा रहे हैं। अब मैं कुछ दुकानदारों से भी पूछना चाहता हूं, क्या इसमें उस लॉकडाउन इस कोरोना वायरस में क्या आला अधिकारी पूरी चेकिंग कर रहे हैं? हम यहाँ के दुकानदार हैं, मैं उनसे पूछना, क्या इसमें पूरा आला अधिकारी जितने हैं वो क्या ध्यान दे रहे हैं लॉकडाउन का? आला अधिकारी के बारे में नहीं जानते, लेकिन लॉकडाउन का पालन कायदे से नहीं हो रहा है। कायदे से नहीं हो रहा है? बहुत बाज़ार में भीड़ है और दुकानदार कपड़े के रेडीमेड सब दुकानें खोल खोल माल बेच रहे हैं। दुकानदारों के अंदर कस्टमर को बैठा लेते हैं 10-10 कस्टमर। लॉकडाउन का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते भैया जी ने यहाँ पे बहुत स्पष्ट बात बताई कि लोग दुकानदार दुकान नीचे शटर डाल के 10-10 लोगों को बिठा लेते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, वो बर्तन वाले हों या कपड़े वाले हों, वो इस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे सानू भैया जी आ गए, क्या सर लॉकडाउन की पूरी तरह से व्यवस्था सही चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है, प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है उस वजह से देखिए कितनी भीड़ भाड़ चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं और ATM पे इतनी भीड़ लगी है,
जिसका कोई जवाब नहीं है जी। और बैंकों में लाइन लगी पड़ी है, जिसमें कोई भी कोरोना पर ध्यान नहीं रख रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त है जी। यहाँ पे सानिल भैया ने कहा कि एटीएम में भीड़ लगी है, बैंकों में भीड़ लगी, कपड़ों के अंदर दुकान बंद है, लेकिन अंदर काम चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम एनएम न्यूज़ की जब टीम आई तो लोगों से ये पूछा कि प्रशासन पूरी तरह से ध्यान रखा है, तो लोगों ने बताया प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। जो 2020 में रविंद्र कुमार सीओ थे और टीपी तिवारी थे, उस समय जितना लॉकडाउन को ध्यान रखा था, जैसे आप देख रहे हैं बिना गाड़ी सब। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, जो यहाँ सैनिटाइजर और मास्क के लिए तो वितरण सही है क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत है। और यहाँ भी हनी जी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन पूरी तरह से, सर क्या प्रशासन इतना ध्यान रख रहा है? भैया प्रशासन पूरे तरीके से ढील दे रखी है प्रशासन ने। अच्छा अच्छा, प्रशासन कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है। चंदेली मार्केट से लेकर मंडी के अंदर इतनी भीड़ भाड़ है कि कोरोना काल के समय में चैन टूटना बहुत ही मुश्किल काल है। जी जी, सही कहा। यह हानि ने कहा है कि कोरोना की चैन तोड़ना इतना आसान नहीं, कि प्रशासन पूरी तरह से लूजिंग है। और दूसरी बात, लोग कपड़े की दुकान पे बैठ के शटर डाल के कपड़ा बेचा जा रहा है, सुनार का काम चल रहा है, लोग अपने बर्तन बेच रहे हैं वो भी शटर डाल के, कुछ ऐसे भी समस्याएं हैं भैया? इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, अभी हम तो अपना सैनिटाइजर बेच रहे हैं, हमने ध्यान दिया नहीं इस बात पे। जी जी, देखिए यहाँ पे और भी है, क्या प्रशासन ध्यान दे रहा है? कहेगा ये लॉकडाउन का कहाँ ध्यान दे रहा है? ये देखो आधी खुलती है आधी बंद हुई है, गली खुली है, देखिए जाए वहाँ गली में इंटरव्यू ली जाए, बाजार पूरी खुली है। अच्छा अच्छा, आप तो भैया जी कह रहे हैं बाजार खुला है, मंडी खुली है, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग थाने के पड़ोस में, इसलिए हम लोग बंद करा रहे हैं। गुप्ता जी भी आ गए हैं किचन सेंटर से, क्या प्रशासन पूरी तरह से पहले तरह ध्यान रख रहा है जैसे सीओ थे? नहीं, पहले से लॉकडाउन नहीं बढ़िया लग रहा है, पहले से लॉकडाउन बढ़िया नहीं है। और क्या बताना, भीड़ बहुत लग रही है बाजार में। अच्छा था, दाएं बाएं दुकानें बहुत खुल रही हैं। आप देख सकते हैं एक नज़ारा उधर भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से भीड़ माहौल को बनाए हुए है। लेकिन किसी प्रकार का लॉकडाउन का अगर देखा जाए तो गोला गोकरनाथ छोटी काशी में प्रशासन कतई दुरुस्त नहीं है, कतई नहीं है। और प्रशासन जिस हिसाब से अपने आराम से रह रही है, और इस हिसाब से लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और कुछ बताना चाहते हैं आप बाजार देखिए, बाजार पूरी तरीके से खुला हुआ है। जी जी, ये गली में आप चले जाइए, गली में देखो आराम से खुली हुई सब दुकानें सारी। जी जी, वो तो हम बता सकते हैं। अब हम लोग सड़क पर हैं, बंद हैं, मतलब लोग अंदर बेच रहे हैं दुकान। अब बेड वुड बेचने का तो मतलब ऊपर से आदेश है ना। हाँ। लेकिन मारे डर के बेड भी नहीं लगा रहे हैं। हाँ, सही बात, ब्रेड गरीब आदमी का भला हो जाए, बेड ले जाएगा, बेड खा लेगा गरीब आदमी। हमारा बुक डिपो का काम भी है वो भी बंद है, और बर्थडे का काम है वो भी बंद है, स्पोर्ट भी बंद है, खाली सैनिटाइजर बाहर लगा के बेच रहे हैं आराम से। और आगे देखिए जाके सब दुकानें बल्टे की पूरी लगाए बैठे हैं। कहाँ पे? वो आगे पेड़ के पास। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि किस हिसाब से भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है। और जनता कह रही कि बाज़ार के अंदर सारी दुकानें खुली हैं, कपड़े की दुकानें खुली हैं, बर्तन की दुकानें खुली हैं, लोग अपना काम चला रहे हैं। और भीड़ भाड़ से पूरा क्षेत्र जो है वो कोरोना कहीं पर से नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई चैन टूट पाएगी। आप देख रहे हैं, यहाँ इनसे लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या लेने आए हैं आप? लेने कैसे आए हैं? ले तो कपड़ा पड़ा है दुकान। कपड़ा पड़ा शादी के? हाँ, शादी के काम। मिले वो कपड़े नहीं? कहाँ नहीं पा रहे, दुकान ही बंद। अच्छा, आप देख सकते हैं कहीं पर से कोई लॉकडाउन का हमें प्रशासन की तरफ से कोई नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, जो मेला लगा हुआ है। अच्छा, चलो देखिए, लोग हमसे बता रहे हैं कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस हिसाब से लोग हमसे बता रहे हैं कि लॉकडाउन का किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा छोटी काशी गोला में। बाजार चले गए भैया, बाजार। जय देखिए आप, जय पड़ोस में सीओ ऑफिस है, और भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये चल रहा है यहाँ पे, बिना मास्क लोग भी खड़े हुए हैं। क्या मास्क लगाया है तुमने? हाँ, मास्क लगाए ना। क्या करने आए थे? क्या करने आया था? कुछ नहीं। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आदमी अपना काम करना, क्या प्रशासन दुरुस्त है जी? क्या दुकानें खुली हैं आज भी? दुकानें क्या, मंडी में देखिए सब खुली हैं दुकानें। मंडी में देखिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मंडी में दुकानें खुली हैं, भीड़ भाड़ तो आप देख ही रहे हैं।
कि लोग आया के कह रहे हैं कि मंडी में दुकानें खुली हैं, बाजार में कहीं पर से लॉकडाउन का अगर देखा जाए तो कहीं पर से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते आज NM न्यूज गली गली और चप्पे चप्पे पे आपको दिखाना चाहता है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस में किसी भी प्रकार का प्रशासन आप ध्यान नहीं दे, क्योंकि पड़ोस में CO ऑफिस भी है अगर देखा जाए तो। सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में मोनू है और रियाज वाली दुकान है। सब्जी अच्छा, सब्जी मंडी में आप जाइए, सब्जी मंडी में आप बंद करवाइए, हम लोग बंद करने के लिए तैयार हैं। हाँ 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 सब्जी मंडी में देखिए, आप प्रशासन इतना क्यों मजबूर है मुझे नहीं, लेकिन गाइडलाइन में दिया है कि इन लोगों को सख्ती का पालन करवाइए, लेकिन कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है इस मंडी में। मंडी जाइए सबसे पहले यार, यहां का मंडी हो गया, आप चले जाओ, हो गया। आप देख सकते हैं कि बाजार का जिस हिसाब से हाल है और जिस हिसाब से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से मंडी में भीड़ लगी है, बाजारों में, मंडी में, चौराहों पे, और आप देख सकते हैं किस हिसाब से भीड़ है। हाँ देखिए, यहाँ पे भैया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो दिखाने जा रहे हैं कि मंडी का हाल क्या है। आप देख सकते हैं पूरी दुकान लगी हुई है, ये पूरा लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं ये पूरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन की व्यवस्था दिखाई जा रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वो सब लॉकडाउन लगाए हुए हैं। NM न्यूज़ आपको दिखा रहा, पीछे भी दिखा दीजिए कैसे जनता आ रही है, मेरे लोगों को बता रही है किस हिसाब से भीड़ है। आप देख रहे हैं मंडी का हाल इतना बुरा है कि लोग बता रहे हैं कि अब की प्रशासन कहीं पर से कोई ध्यान नहीं रख रहा है, लोग अजर्रा दुकान खोल रहे हैं, लोग अजर्रा अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या प्रशासन ध्यान दे रहा है? नहीं, ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन, ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं लोग कह रहे हैं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। क्या प्रशासन ध्यान और दे रहा? क्या बिल्कुल कतई नहीं ध्यान दे रहा। आप जैसे जनता खुद कह रही है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्या प्रशासन दे रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानें बंद पड़ी हैं क्या? क्या प्रशासन ध्यान दे रहा? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ज्यादा सब जो खोले हैं और कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा। क्या रानी चंदेली है? आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से लोग घरों से निकल निकल के इस कोरोना वायरस, आप इधर भी देख सकते हैं क्या इधर, आप देखिए ये रानी चंदेली है, यहाँ पे बंदी है लेकिन किसी प्रकार की कोई बंदी दिख नहीं रही है, लोग अपनी दुकान शटर नीचे करते हुए अपना काम कर रहे हैं कपड़ों का। ये तो भाई साहब मास्क तक नहीं लगाए हैं, इन्हें कहीं पर से कोरोना का डर नहीं, मास्क नहीं लगाया आप। देखिए जब NM न्यूज आ रहा है तब तो मास्क लगा रहे हैं, जनता की भीड़ देख लीजिए, पीछे आप देख लीजिए किस हिसाब से भीड़ है। प्रशासन यहाँ पे कहीं पर से तुरुस्त नहीं आ रहा है। जो पहले CO रविंद्र कुमार थे, TP तिवारी थे 2020 में, इसमें CO के पड़ोस में ये ऑफिस है यहाँ का, लेकिन ये रानी चंदेली में इस हिसाब से भीड़ है, आप देख सकते हैं। कहीं पर से प्रशासन हमें लगता है कि अब किस 2021 में इतनी महामारी फैली हुई है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। क्या सर प्रशासन ध्यान दे रहा है? प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबरदस्त हम लोगों का मार्केट में मकान है, यहाँ पर जबरदस्त खतरा है, बाहर से व्यापारी बहुत आ रहा है यहाँ पर। जी जी, लोग दुकान बंद, मतलब अंदर से मलम माल ले रहे हैं, घरों के अंदर घुसोल, मतलब ग्राहकों को घुसोल ले जा रहे हैं घर के अंदर, घर के अंदर चंदेली मार्केट के अंदर। अरे बहुत बुरा हाल, वो उनको अपनी जान का डर बिल्कुल नहीं है, अगर कर एक बार फैल गया तो जान के लाले पड़ जाएंगे उनके। सही बात। जे भाई साहब यही इनका पड़ोस में घर है, इन्होंने कहा यही घर है इनका कहना है कि रानी चंदेली में लोग दुकान के अंदर कस्टमरों को बिठा के रखते हैं, 10 या 15-20 और कपड़े खरीदवा रहे हैं, लेकिन किसी भी कोरोना वायरस का किसी को डर नहीं, और प्रशासन भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा, बिल्कुल भी ध्यान प्रशासन नहीं कर रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं भीड़। आप भैया क्या बता रहे हैं, प्रशासन किसी प्रकार का क्या ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान नहीं है, भीड़ देख रहे हैं आप रोडों पे, देखिए कैसी जाम लगी हुई है, आप देखिए कोई दिख रहा है यहाँ पे, कोई देखने वाला? मैं इसमें रानी चंदेली में खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा जा रहा हूँ, प्रशासन कहीं पर से तुरुस्त नजर नहीं आ रहा है। जो 2020 में CO रविंद्र कुमार वर्मा थे,
टीपी तिवारी थे वो उस समय नहीं दिखा था। जे सीओ के फ्लोस में ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ माताएं खड़ी हैं, शायद कपड़ा लेने आई हैं। क्या कपड़ा लेने आई हैं? क्या कपड़ा मिल गया? नहीं मिला, मिला। खुले होंगे लोग जिस हिसाब से शटर। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग शटर के नीचे से अपने कपड़े बेच रहे हैं। ध्यान दे रही, क्या प्रशासन ध्यान दे रहा है? हाँ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि जे रानी चंदेली है, यहाँ लोग दुकान जैसे शटर को नीचे कर लिया और कस्टमर अंदर घुसे रहते हैं और जिस हिसाब से कपड़े बेचे जा रहे हैं। अभी मैं आपको रानी चंदेली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे भीड़ देख के लोग जनता यहाँ से निकल रही है, लेकिन कपड़ा बिक रहा है, बर्तन बिक रहा है सब। आज NM न्यूज ने इस कोरोना वायरस को अंतर्गत जो मोहर रखा कि प्रशासन जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है उसको ध्यान देने के लिए आज NM न्यूज घर से निकला, क्योंकि मैं भी इस कोरोना से डरता हूँ लेकिन मैं अपनी जनता को इतना स्नेह और प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ इस कोरोना वायरस की सच्चाई। यहाँ पर देखिए जे बैठी हैं, शटर खुलेगा अंदर चली जाएंगी कपड़े खरीदेंगी। जे देखिए भी, जे देखिए मास्क। अब आप देख सकते हैं उधर का नज़ारा, अगर थोड़ा जूम कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कितनी भीड़ भाड़ है। देखिए आप जे कपड़े चल रहे हैं, आप इस समय मैं रानी चंदेली में खड़ा हूँ और माहौल आप देख सकते हैं, लोग अपने कपड़े की दुकान नीचे शटर डाल के बेच रहे हैं। और आपको देख सकते हैं जिस हिसाब से काम चल रहा है, क्या बता रहे, क्या बता रहे, इस लॉकडाउन में जहाँ पे व्यवस्था देखनी चाहिए सरकार को, वहाँ पे छोटी काशी में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। हमें आगे भी आपको दिखाना चाहिए, सब लोग कपड़े लेने के लिए तैयार हैं और ये सब कपड़े खरीद के भी जाएंगे, सब अपना शटर से काम चला रहे हैं। रानी चंदेली आप देख सकते हैं, मैं इसमें मसाला मंडी में भी हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि गोला की क्या सच्चाई है, जो कोई नहीं दिखा पाता वो NM न्यूज़ दिखाता है। काम चल रहा है बर्तन मंडी में भी मैं आपको लेके दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे सारे लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। देखिए कुछ तो यहाँ पे बिना मास्क अपना काम कर रहे हैं, अजर्रा मंडी खुली हुई है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और सरकार हमेशा यही वादा करती है कि मैं पूरी तरह से सावधानी करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटी काशी में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। देखिए बिना मास्क लगाए हुआ है, आप देख सकते हैं मास्क कहाँ है तुम्हारा। देखिए बिना मास्क सारे लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हाल है मंडी का। बर्तन मंडी की तरह अब मैं आपको बर्तन मंडी भी दिखा दूं कि मैंने चौराहे से लगा के रानी चंदेली चौराया बर्तन मंडी, अब मैं बर्तन मंडी पे पहुंच रहा हूं। लोग अपने कार्य को दुकान का अंजाम दे रहे हैं, नीचे दुकान शटर डाल लेते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस हिसाब से कार्य चल रहा है। मेरा मकसद है कि इस कोरोना वायरस में जिसकी जो भूमिका है वो निभाए, वो पत्रकार हो, पुलिस प्रशासन हो, सीओ हो या बड़े आला अधिकारी हो। क्या आप लेने आई हैं? हम दवा लेने आए थे, हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का लॉकडाउन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि छोटी काशी गोला में
प्रशासन कहीं पर से तुरुस्त हो। मार्केट खुल नहीं है, लोग आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मटर मंडी रहेगी। आज की मेरी पेशकश यही थी कि मैं आपको इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस और इस प्रशासन के बारे में, प्रशासन कहीं पर से तुरुस्त नज़र नहीं आ रहा, सब अपना कार्य कर रहे हैं मगन से, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई ऐसा डर नहीं कि जिससे वो कह पाएँ कि हाँ मैंने पूरी तरह से जिम्मेदारी से इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस में पूरा साथ दिया। ये न्यूज़ जो थी वो प्रशासन के खिलाफ थी, प्रशासन कहीं पर से ध्यान नहीं दे रहा। मैं नरेंद्र कुमार दी, कैमरा मैन लकी के साथ।